नमस्ते, इस वीडियो में हम रफ सेट थ्योरी के बारे में समझेंगे। तो रफ सेट थ्योरी समझने से पहले हम पहले थोड़ा सेट थ्योरी को समझते हैं, क्योंकि रफ सेट में थोड़ा बहुत सेट थ्योरी के कंसेप्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो हम पहले थोड़ा सेट थ्योरी का बेसिक समझ लेते हैं, जो रफ सेट के हिसाब से ज़रूरत है वो बस देख लेते हैं। तो सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर द्वारा 1883 में डेवलप किया गया है। तो जॉर्ज कैंटर ने डेफिनेशन में ये बताया है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्ट विच कैन बी कंसिडर्ड एज एन होल। एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज अ होल मतलब कि जैसे मैं बुक्स लेता हूँ, ठीक है, तो बुक मेरा एज अ होल एक यूनिट हो गया, और डेफिनेट ऑब्जेक्ट मेरा जैसे बुक्स के जो कैटेगरीज होते हैं वो एज अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि मैं उसमें डिफाइन कर पा रहा हूँ ये कैटेगरीज है, क्लियरली डिफाइन कर पा रहा हूँ ये कैटेगरीज को बुक्स के, तो वो मेरे डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स है। अब जैसे तुम कहते हो कि ये फिक्शन का बुक है, या नॉन फिक्शन है, या एडवेंचरस है, या स्पोर्ट्स रिलेटेड है, या ऑटोबायोग्राफी है, वो सब तुम्हारे डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स है। और तो अब इसमें लिखा हुआ है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब कि तुम इसमें कैसा भी ऑर्डर दो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप फिक्शन पहले लिखे, बाद में नॉन फिक्शन लिखे, फिर स्पोर्ट्स लिखे, या एडवेंचरस बुक लिखे, या ऑटोबायोग्राफी लिखे। ये आपने एक मान लीजिए कि एक टाइप का बना लिया। दूसरा में आप कर सकते हैं कि जैसे फिक्शन ले लिया, फिर स्पोर्ट्स का ले लिया, फिर एडवेंचर लिख लिया, मतलब इसके जितने भी परम्यूटेशन पॉसिबल है आप बना के देख सकते हैं। तो उसमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं, तो वो हमारा एक सेट ही माना जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज एन होल। अब मान लेते हो, अब हमारे मन में ये हो सकता है कि बुक पेजेस क्या मैं एज ए होल मानूंगा या नहीं मानूंगा। देखो, पेज अपने आप में किसी का बुक का हो सकता है, तो जब तक तुम बुक स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक वो एज ए होल नहीं माना जाएगा। या फिर तुम किसी बुक का चैप्टर या कोई तुम टेक्स्ट उठा रहे हो तो सेट के डेफिनेशन के हिसाब से नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तुम चैप्टर उठा रहे हो लेकिन वो किसी पर्टिकुलर बुक का उठा रहे हो। अगर वो बुक तुम डिफाइन कर रहे हो तब तुम कह सकते हो, तब वो एज अ होल माना जाएगा, लेकिन तुम जब तक बुक नहीं डिफाइन करते हो तब तक एज अ होल नहीं माना जाएगा। तो अब समझते हैं मेंबरशिप के बारे में। देखो, जो कैंटर ने जो डेफिनेशन दिया हुआ उन्होंने ये अज्यूम किया हुआ था कि एलिमेंट सेट का पार्ट होगा या तो नहीं होगा। तो अगर एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सेट का पार्ट होता है तो हम उसको वन रखेंगे, उसको वन माना जाएगा। अगर वो पार्ट नहीं होता है तो हम उसको नहीं मानते, मतलब उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसका उस ऑब्जेक्ट का एलिमेंट, उस ऑब्जेक्ट का मेंबरशिप वैल्यू जीरो होगा, और जो सेट में प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट का मेंबरशिप वैल्यू वन होगा। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में आपने मेंबरशिप ले लिया, तो बिना मेंबरशिप के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, जब तक आपने मेंबरशिप नहीं लिया होता तब तक आप जिम के हिस्से नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मेंबरशिप ले लिया, अब तब जाके आप जिम के हिस्से में माने जाएंगे। तो वैसे ही सेट में है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई एलिमेंट वो सेट का हिस्सा है या नहीं है। अगर है तो मेंबरशिप वैल्यू उसका वन होगा, अगर नहीं है तो उसका मेंबरशिप वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कैंटर ने एक पैराडॉक्स दिया था, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे मान लो कि कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, वन और टू,
अब तुम इसका अगर पावर सेट निकाल रहे हो, पावर सेट निकालते हो ऑफ सेट, तुम्हें पता है 2 पावर 2 होंगे यानी कि 4 सेट बनेंगे, 5 ये 1 2 और 1 2, ठीक है, ये तुम्हारे पावर सेट हो गया। तो अब ये जो 5, ये जो ब्रैकेट में 1 है, ये ब्रैकेट में 2 है, ये ब्रैकेट में 1 2 है, ये तुम्हारे अभी तक एलिमेंट है, अभी ये मेंबर नहीं है। मतलब पावर सेट के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी तक सिर्फ एलिमेंट है। तो जब तक तुम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ये एलिमेंट ही रहेगा। जब सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तब इसका मेंबरशिप गिना जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ पावर सेट ऑफ एस ऑफ एस, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तब ये मेंबरशिप माना जाएगा, तब ये 5 पावर सेट के मेंबर है, ये एक मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, और ये चौथा मेंबर हो गया। तो वैसे ही जब तक तुम इसको इस फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो तब तक ये मेंबर नहीं माना जाएगा। तो यही पैराडॉक्स है कि किसको मेंबर मानना है किसको नहीं मानना है, ये पैराडॉक्स से क्लियर हो जाएगा। तो इसी को आगे एक और मैथमेटिशियन ने एक्सटेंड किया इसी आइडिया पे, रसल्स पैराडॉक्स, या फिर इसको आप बार्बर्स पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक दो सेट मान लेता हूँ, ठीक है, दो सेट है एक्स और वाई। एक्स में है कि बार्बर बाल दूसरे का काटता है, और दूसरा सेट है कि जो सेव नहीं करते हैं। एक सेट है जो बार्बर बाल काटता है, दूसरा सेट है कि सेव नहीं करता है, मतलब लोगों के हजामत वो सब नहीं करता। तो अब बार्बर को करना चाहे तो किस क्लास में रखा जाए, कि बार्बर सेव करेगा या नहीं करेगा, मतलब बार्बर खुद का सेव करेगा या नहीं करेगा। अगर वो खुद का सेव करता है तो वो एक्स के सेट में होगा, अगर वो खुद का सेव नहीं करता है तो वाई के सेट में होगा। तो अब इसमें तुम्हें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है कि उसको बार्बर को किस क्लास में रखा है, क्योंकि बार्बर हो सकता है कि एक्स क्लास में हो, मतलब वो खुद सेव कर ले, या फिर वाई क्लास में हो, मतलब वो सेव ही ना करे। और इसमें ये अजम्पशन लेके हम लोग चल रहे हैं कि बार्बर मेन है, क्योंकि उस समय जो कंसेप्ट दिया गया था 19th सेंचुरी में, उस समय हम लोग अज्यूम करते थे कि मेन ही बार्बर होंगे। तो वही पैराडॉक्स है, मतलब कि आप बार्बर को किस क्लास में रखना चाहेंगे, एक्स वाले में या वाई वाले में। तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है, तो यही आइडिया को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, जिसका नाम दिया गया है वेगनेस। ये फ्रेग द्वारा डेवलप किया गया है 1893 में। फ्रेग जो एक मैथमेटिशियन था, लॉजिशियन था, इन्होंने प्रूफ से रिलेटेड कंसेप्ट बताया कि प्रूफ कैसे करना है, और ये हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में सोचता था, या तो हमेशा सही होगा या तो गलत होगा। तो वही कंसेप्ट, और उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स में वेग करके कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, मैथमेटिक्स में या तो तुम हम सही हो गए हमेशा, या तो हमेशा गलत हो गए, बीच वाला स्टैंड कभी नहीं हो। तो बाउंड्री रीजन अप्रोच क्या है कि मान लो कि मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे मैं मान लो कि किसी का तुम ब्यूटी जज करना चाहते हो, किसी पर्सन का ब्यूटी जज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो तुमने कुछ पैरामीटर से किसी रेटिंग दे दिया किसी पर्सन को, ठीक है, तो मान लो कि एक्स को तुमने दिया 0.5, वाई को दिया 0.6, जेड को दिया 0.7, लेकिन ये तुम कुछ पैरामीटर तुम्हारे दिमाग में है कि ये पैरामीटर होगा तो ऐसे ऐसा हम ब्यूटी जज करेंगे, फेस स्ट्रक्चर ऐसा होगा, आई का ऐसा, तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ पैरामीटर सेट कर रखा है, तो उसके हिसाब से तुमने रेटिंग दे दी।
तो अगर हम इसको बहुत सारे डेटा का अगर हम प्लॉट बनाना चाहें, तो ऐसे एक प्लॉट कुछ ऐसे होगा। मतलब अज्यूम करो कि प्लॉट कुछ इस तरह दिखेगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन अज्यूम करो कि प्लॉट इस तरह दिखेगा। तो मान लेता हूं कि ये ब्यूटी वाला है, ये जो मैं येलो लाइन से बता रहा हूँ, और एक रेड वाला जो ये वाला जो येलो वाला लाइन है वो नॉन ब्यूटी रीजन है। ये नॉन ब्यूटी रीजन है मतलब कि तुम इसको ब्यूटी नहीं मान रहे हो, अगली है। और रेड वाला जो रीजन है वो ब्लू है, मतलब ठीक है। तो अब तुमने ऐसे डिवाइड कर लिया और कुछ प्लॉट कर दिया, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन जो तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा एक वेगनेस है, क्योंकि तुम इसमें क्लियरली नहीं बता पा रहे हो कि कौन सा कितना वैल्यू पे तुम्हारा ये ब्यूटी होगा, कितना वैल्यू पे ब्यूटी नहीं होगा। तो ये तुम्हारा वेगनेस है, ठीक है। ये मतलब तुम इसमें श्योर नहीं हो कि क्या किसे ब्यूटी कहे है, किसे ब्यूटी नहीं कहे। तो वैसे ही आदमी भी वैसे ही सोचता है कि आदमी ब्लैक एंड व्हाइट में हमेशा नहीं सोचता, हमेशा वो ग्रे एरिया होते हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट में उनके ग्रे एरिया होते हैं, तो वो वेगनेस हो जाते हैं। तो ये बाउंड्री रीजन है। बाउंड्री मतलब देखो, ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री है, मतलब ब्यूटी और नॉन ब्यूटी का जो बाउंड्री है, जो रेड से मैंने जो बनाया है और एक येल्लो से जो बनाया है, वो एक बाउंड्री हो गया। तो ये बाउंड्री रीजन अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं वेगनेस डिफाइन करने के लिए। तो अब क्योंकि ये वेगनेस फिलोसोफिकल टाइप का कंसेप्ट है, और तो इसीलिए मैथमेटिक्स में तो बहुत कम जगह ये वेगनेस यूज किया जा रहा है, लेकिन ये फिलोसोफिकल टर्म है। और क्योंकि अब लोग ज्यादा डेटा पे काम भी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थोड़ा अभी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो कंप्यूटर साइंस में हम देखते हैं कि वेगनेस कैसे यूज करते हैं। तो वेगनेस कंप्यूटर साइंस में दो थ्योरी बनाए गए हैं, फजी सेट थ्योरी, एक रफ सेट थ्योरी। फजी सेट थ्योरी जेडेक ने बताया था 1962 में, ठीक है, 1962 में बताया था जेडेक ने। अब इसने जो कंसेप्ट दिया है, मतलब इस जेडेक ने जो डेफिनेशन दिया है फजी सेट का, वो पार्शियल मेंबरशिप से रिलेटेड है। अब मैं ये थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या पार्शियल मेंबरशिप क्या होता है और क्यों हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं। तो पहले जैसे पिछला वाले मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, ब्यूटी रिलेटेड, कि हम किसी पर्सन को ब्यूटी जज करना चाह रहे हैं, कितना ब्यूटी है। तो मान लो कि तुम्हें रेटिंग देनी है 0 से 1 तक, ठीक है, किसी पर्सन को। तो तुमने दे दिया रेटिंग 0.5, 0.6, ऐसे तुमने कुछ रेटिंग दे दी। अब जो तुम वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, 0 से 1 के बीच में तुम कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, मतलब ब्यूटी को तुम उसको वैल्यू दे रहे हो, वो वैल्यू एक तरह से, उस वैल्यू को हम लोग डिग्री बोलते हैं कि कितना डिग्री है, ठीक है। अब 0 से 1 ही क्यों लिया, क्योंकि तो अगर तुम सेट थ्योरी का कंसेप्ट देखो जो कैंटर ने दिया था, उसका रेंज क्या था, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, 0 1 दोनों इंक्लूडेड होंगे, मतलब 0 1 दोनों इंक्लूडेड होंगे, और इसके बीच में कोई वैल्यू होगा जो हम डिग्री से डिनोट करते हैं, वो वैल्यू लिया जा सकता है। मतलब इसीलिए इसका नाम है पार्शियल मेंबरशिप, मतलब कंप्लीट मेंबरशिप नहीं है, या तो 0 1 होगा वो भी ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज होंगे। तो लेकिन जनरली हम लोग 0 1 बहुत रेयर केसेस में कंसिडर करते हैं, हम लोग बस खाली कुछ कुछ वैल्यूज लेते हैं, मतलब जैसे 0.999, तो हम लोग उसको 1 मान लेते हैं। लेकिन तो एक तरह से पार्शियल मेंबरशिप हो गया, 0.99, 0.001,
मतलब एग्जैक्ट जीरो और एग्जैक्ट वन नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बीच में वैल्यूज लेते हैं, और उस वैल्यू को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको डिग्री से नाम से दिया गया। तो ये एक फोजी सेट है, मतलब इसमें आप क्लियर नहीं कह सकते हो कि क्या है, तो ये मेंबरशिप पे चलता है। दूसरा कंसेप्ट है रफ सेट थ्योरी। तो रफ सेट को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा इसका आइडिया पे जाते हैं कि रफ सेट क्यों आया। तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आपका कितना मार्क्स आएगा इस सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि टोटल जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि 89 के करीब आएगा, 90 के करीब आएगा, ऐसा आप लोग कहते हैं। जो करीब कहते हैं मतलब आप लोग अज्यूम करते हैं कि 89 भी, अगर मान लो कि 90 हम मार्क्स सेट करते हैं, बोलते हैं कि करीब करीब 90 मार्क्स आ गया, हमारा 90 मार्क्स आना चाहिए, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो 89.5 भी ठीक है, 89.89 भी ठीक है, 91 भी ठीक है, तो वो हमारा बाउंड्री है, मतलब वो रेंज डिफाइन कर रहे हो कि इतना रेंज से इतना रेंज आएगा तो हम ठीक है, वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। तो वही रफ सेट थ्योरी है। रफ सेट थ्योरी में आप जो आइडिया बताते हैं वो आप करीब करीब बताते हैं कि हाँ ये हमारा है, इतना रेंज में अगर आता है या इसके इसी रेंज के बीच में कुछ वैल्यूज आते हैं तो हमारे लिए ठीक है। फौजी सेट में हम खाली फौजी सेट में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन रफ सेट में हम लोग वैल्यू नहीं असाइन करते, हम लोग दोनों बाउंड्री चेक करते हैं। ये बाउंड्री लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के बीच में जो वैल्यूज आते हैं उसमें मतलब सब वैल्यूज चेक करेंगे, सब वैल्यूज में जो भी हमारे फिट हो रहा है या उसके करीब करीब वैल्यूज आ रहे हैं वो हमारा फजी सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, थोड़ा फजी सेट के बारे में आप जान लेते हैं कि फजी सेट क्या है। देखो मेन जो कैंटर ने जो सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट दिया था उसमें उसने एज ए डेफिनेशन ही तुम देख लो, एज ए होल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें 0 1 मतलब या तो 0 या तो 1, मतलब उसका जो मेंबरशिप है 0 या तो 1 होगा, तो यानी कि एकदम क्रिस्प है, मतलब एकदम प्रिसाइज है। इसमें आप उसमें क्लैरिटी है कि यही होना ही है, लेकिन इसमें देखो इसमें क्लैरिटी नहीं है, अब तुम कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो मैथमेटिशियन मतलब जो रसल्स पैराडॉक्स है उसके बाद से लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था कि वेगनेस के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था, लेकिन उतना फाउंडेशन नहीं मिल पा रहा था या फिर सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जडेन जो फजी थ्यूरी सेट थ्यूरी लेके आए उसमें उससे उन्होंने मतलब सक्सेस मिला है, उन्होंने कुछ अजम्पशन लिया है कि पार्शियल मेंबरशिप लेकर चलेंगे तो ऐसा कुछ अज्यूम करके चलेंगे, तो वो उनका उन्होंने मतलब इस तरह उन्होंने मतलब वेगनेस पे थोड़ा प्रोग्रेस होना शुरू हुआ है। और रफ सेट थ्योरी से और मतलब रफ सेट थ्योरी से और थोड़ा प्रोग्रेस पे मतलब और थोड़ा वेगनेस पे काम हुआ है कि इस पे खाली हम लोग पर्टिकुलर फजी सेट में हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू पे देख रहे थे, रफ सेट में हम लोग बाउंड्री का देखेंगे। तो थोड़ा फजी सेट का जिसको पढ़ना है आप लोग जडे के पेपर से पढ़ सकते हैं अगर जिसको इंटरेस्ट हो, तो हम थोड़ा रफ सेट के बारे में जानते हैं। रफ सेट थ्योरी, तो रफ सेट तो डेवलप बाय पॉलॉक 1982 में, अब और ये है फ्रेक्स आइडिया ऑफ वेगनेस। जैसे मैंने बताया कि बाउंड्री रीजन अप्रोच, यानी कि आप ये जो आप बाउंड्री आप डिफाइन कर रहे हैं, ये जैसे ब्यूटी का बाउंड्री हो गया, नॉन ब्यूटी का बाउंड्री हो गया, तो जो बाउंड्री आप डिफाइन कर रहे हैं उसी आइडिया पे ये रफ सेट का कंसेप्ट है। और एक बात है कि ये आइडिया है, लेकिन और दूसरी बात है कि जो पार्शियल मेंबरशिप वाला जो कंसेप्ट है फजी सेट का वो भी हम लोग नहीं लेते हैं इसमें, तो लिख लेता हूँ नो नॉन पार्शियल मेंबरशिप, मतलब सिर्फ हमें सिर्फ बाउंड्री से मतलब है, हमें बाउंड्री
इसीलिए हम लोग कहते हैं ना करीब करीब ये वैल्यू आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये है। और वही जो मैं बता रहा था कि बाउंड्री से रिलेटेड होना चाहिए, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन स्पेस के कंसेप्ट से समझेंगे कि जो बाउंड्री वाला है उसको हम कैसे निकालेंगे, वो बाउंड्री का क्या, वो हम लोग अप्रोक्सीमेशन स्पेस से समझेंगे। तो इससे हम लोग बाउंड्री वाला क्लियर हो जाएगा कि कैसा बाउंड्री अज्यूम करना है, किस तरह का बाउंड्री अज्यूम करना है। तो ये आगे हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा एडवांटेज कि रफ सेट का क्या एडवांटेज है। तो पहले बात तो ये ओरिजिनल डेटा का साइज रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मैं साइज की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ। साइज, क्योंकि पैरामीटर्स अगर कम हो जाएंगे तो साइज अपने आप कम हो जाएगी। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, मेरे पास कोई डेटा है जिसमें 100 रोज है, ठीक है। तो कुछ डेटा तुम्हें ऐसे होंगे कि काम के नहीं होंगे, रिडंडेंट जो डेटा होंगे, या फिर ऐसे डेटा होंगे जो रिपीट होंगे, तो उसको भी तुम हटा दो, या सब वो सब हट कर करो। तो वो सब का जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है वो रफ सेट से मिलेगा हमें। तो वो फाउंडेशन हमें हेल्प करेगा डेटा को रिड्यूस करने में। 100, मान लो कि तुमने रिडंडेंट डेटा हटा के 100 से कर दिया 80, तो इससे कितना फायदा होगा। तो ये जो कंसेप्ट है रफ सेट का, वो मैथमेटिक्स आप देख ही रहे हैं कि सेट थ्योरी से आया हुआ है, तो उससे मतलब रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट के हिसाब से आप सोचना चाहेंगे तो हिडन पैटर्न, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के हिसाब से है, और ये तुम्हारा जो है एप्लीकेशन के हिसाब से अगर सोचना है तो तुम डेटा माइनिंग के हिसाब से सोच सकते हो, बिग डेटा के हिसाब से सोच सकते हो। तो अगर उस तरह तुम सोचते हो डेटा माइनिंग के हिसाब से, बिग डेटा के हिसाब से, तो ये वाला पहला वाला पैरामीटर आएगा। अगर तुम कंप्यूटर साइंटिस्ट के हिसाब से सोच रहे हो तो तुम्हें हिडन पैटर्न ढूंढना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या करेंगे, कुछ एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे डेटा से रिलेटेड। वो एल्गोरिथम में तुम्हारा रफ सेट का आइडिया यूज होगा, और उस आइडिया से उन लोग एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, उसको फिर एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट वाला मतलब जनरली देखते हैं। तो ये थोड़ा एडवांटेज है कि रफ सेट से हमें क्या फायदा होगा। इससे हमें ये मिलेगा कि एफिशिएंट जो अल्गोरिथम्स है या वो हम कैसे कर पाए, या उसमें क्या पैटर्न है जो हम कर पाए, वो इससे ये वाले रफ सेट से हमें मिल जाएगा। रफ सेट का ये एडवांटेज है। और भी एडवांटेज है लेकिन ये दो मेन एडवांटेज है, और भी है लेकिन जैसे वो रॉ डेटा पे काम करता है, लेकिन अब तुम अज्यूम कर रॉ डेटा पे तुम कर रहे हैं, तो तुम यहाँ थोड़ा स्पेक्टिकल हो सकते हो कि हाँ रॉ डेटा है तो मतलब कुछ तो बात होगी इसमें। रॉ डेटा से तुम हाँ, तो ये रॉ डेटा है मतलब तुम्हें डेटा जैसा तुमने तुम्हारे पास आया है वैसे ही तुम इस पे प्रोसेस करने की कोशिश करोगे। तो इसी से आगे तुम फिर डेटा प्रोसेस कर लिया, तुमने मैथमेटिक्स लगा लिया कि ये डेटा होना चाहिए, और ओरिजिनल डेटा जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसमें सेट से रिलेटेड होना चाहिए। मान लो कि तुम्हारा जो सेट का कार्डिनलिटी पहले 100 था, कार्डिनलिटी 80 हो जाएगा, तो ये जो डेटा की बात कर रहा हूँ मैं ये सेट से रिलेटेड होना चाहिए, जो सेट का जो कार्डिनलिटी है उससे रिलेटेड होना चाहिए। रॉ डेटा में क्या है कि आपके पास जैसा डेटा मिला है उसी हिसाब प्रोसेस करेंगे, मतलब रफ सेट अप्लाई करेंगे उस, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके पास है इनपुट कुछ मिल गया, ये रॉ डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब आपने अपने रफ सेट का कुछ कंसेप्ट लगाया है, ठीक है, आपने कंसेप्ट लगाया जिससे आपका ये ओरिजिनल डेटा साइज रिड्यूस हो सकता है,
और कुछ पैटर्न मिल सकते हैं। लगाया और इसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है, नहीं इसके बाद आप फिर डेटा प्रोसेसिंग, वो सब जो आपका डेटा माइनिंग रिलेटेड कंसेप्ट है, आप फीचर निकाल रहे हैं, फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं, फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब जो मशीन लर्निंग में बाद में यूज होता है, AI में भी इसका एप्लीकेशन है रफ सेट का। उसका एप्लीकेशन आपको रीजनिंग करने में मिलेगा कि आप डेटा को कैसे रीजनिंग कर रहे हैं। डेटा का जो रीजनिंग होता है वो आप रफ सेट से कर पाएंगे, रीजनिंग ऑफ डेटा वो आप रफ सेट से कर पा रहे हैं वो। और वही आपको AI में भी यूज होगा कि आप कैसे फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अप्रोक्सीमेशन स्पेस का। मैंने बताया था कि ये बाउंड्री पे काम करता है रफ सेट, तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन स्पेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अप्रोक्सीमेशन स्पेस को समझने से पहले पहले हम थोड़ा स्पेस को जान लेते हैं, स्पेस एक्सप्लोर कर लेते हैं। स्पेस एक्सप्लोर कर लेते हैं जिसमें हम देखो, मान लो कि कोई आदमी है जो ओरिजिन पर खड़ा है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिजिन में खड़ा है। तो अब देखो इसका जो मूवमेंट है इधर इधर या इधर कहीं भी हो सकता है, तो वो जो उसका मूवमेंट हो रहा है वो उसका थ्री डायमेंशनल स्पेस में हो रहा है। चाहे उसका मूवमेंट एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स जेड प्लेन में हो, या तीनों डायमेंशन में हो, तो ये उसका स्पेस हो गया। अब अप्रोक्सीमेशन स्पेस को हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है। देखो अप्रोक्सीमेशन स्पेस का जो कंसेप्ट है वो पॉलक ने रफ सेट के पेपर में दिया हुआ है, जो 1982 वाला जो रफ सेट का पेपर है, जो जिसमें पहली बार रफ सेट के बारे में बताया गया था, वो उसमें दिया गया है। पॉलक अपने आप में ही एक मैथमेटिशियन था, फिर कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड उसने काम किया है। तो पहले क्या होता था कि जो 1980 से पहले हम लोग डेटा को इस तरह ज़ूम करते थे, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के हिसाब से और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के हिसाब से सोचते थे हम लोग। लेकिन जैसे ही पोलॉक ने बताया ये रफ सेट का इंट्रोड्यूस किया, तो हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के हिसाब से सोचते हैं। पहले क्या खाली स्टोरेज और रिट्रीवल के हिसाब से सोचते थे, तो अब हम लोग रफ सेट से हम लोग प्रोसेसिंग के बारे में भी सोचने लग गए कि कैसे डेटा प्रोसेस होता है, कैसे डेटा को डेटा से हम एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं, फीचर्स निकाल सकते हैं। तो ये एक और फायदा है रफ सेट का। तो जो डेफिनेशन पॉलॉक ने दिया था वो इस तरह है कि यू मान लो कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट मान लो कि सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे होता है सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। देखो इसका नोटेशन यूनिवर्स का यू एक्स का, कुछ जगह एक्स लिखा हुआ है, कुछ जगह यू लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो सकता है मतलब, लेकिन हम लोग कॉमनली यूज नोटेशन यू होता है तो वही फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा है आर। आर उसने देखो आर होता है रिलेशन, पहले बात तो ये समझो कि आर क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, और रिलेशन भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग लेते हैं सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं। इक्विवेलेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो डेटा है उनको पार्टीशन करने में आसानी होती है, मतलब कैटेगराइज करने में हमें आसानी होती है, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं हम लोग। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होंगे तो जो डेटा मिला है, रॉ डेटा जो हमें मिला है, उसको हम इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। पार्ट
इसीलिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि हम लोग जो डेटा लेते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई करे, ताकि हमें कुछ आइडिया लग सके कि किस तरह का डेटा है, हम क्या पार्टीशन कर पाएंगे, किस तरह पार्टीशन कर पाएंगे, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं। जो अप्रोक्सीमेशन स्पेस का जो कंसेप्ट पॉलक ने दिया है वो ये है कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स यू और आर, ये है अप्रोक्सीमेशन स्पेस का कंसेप्ट, कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स और रिलेशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो कर रहे हैं वो तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन स्पेस हो जाएंगे। इसका कुछ भी कार्डिनलिटी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये है अप्रोक्सीमेशन स्पेस का कंसेप्ट। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन स्पेस में भी दो तरह के हैं, लोअर अप्रोक्सीमेशन और एक अपर अप्रोक्सीमेशन। तो ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में कि लोअर अप्रोक्सीमेशन और अपर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी इनकी, और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये कंसेप्ट हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन मेकिंग सिस्टम में कैसे अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।